बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, ये आपको अब पेपर नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको FLP कहते हैं, ठीक है। FLP, यहाँ से आपको पता चल गया होगा, FLP का मतलब होता है फुल लेंथ पेपर, ठीक है। अगर इसकी हम इंग्लिश लिखें ना, तो इसको कहते हैं फुल लेंथ पेपर। तो दिस इज बेसिकली फुल लेंथ पेपर, ठीक है। और ये चैप्टर नंबर 9, 11, 12, 9 से 12 तक है। तो 9 भी इसमें इंक्लूडेड है, 10 भी इंक्लूडेड है, 11 भी है और 12 भी है, ठीक है। तो अगला जो FLP हम पढ़ेंगे वो 9 से लेकर 14 तक होगा, ठीक है। इसी तरह उसके बाद जो पढ़ेंगे वो 9 से 15 तक होगा, ठीक है बेटा। तो 3 फुल लेंथ पेपर है, 3 FLP हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें 3-4 चैप्टर इंक्लूडेड है। फिर चेक कर ले बेटा, पेपर का नाम क्या है बेटा? फुल लेंथ पेपर है, ठीक है। ये इस चैप्टर का नाम है फुल लेंथ पेपर, जिसमें केमिस्ट्री का है, ठीक है। इसको हमने आज थोड़ा सा क्लियर करना है। और दूसरा बेटा, इसमें क्या है, एक तो आपने क्या करना है कि आपको जो टीचर पढ़ा रहा है उसका नाम है नोमान, ठीक है बेटा। और ये क्लास 10, अब मुझे पता है कि 10th के बच्चे हैं सारे, चाहे सेक्शन A के हैं या B के हैं या C के हैं, जो भी है, ठीक है। रोल नंबर आपका जो भी है जो क्लास में है, ठीक है। तो ये तो आपने ऐसे फिल करना होता है, उसके बाद आपने क्या करना होता है, पेपर पे आना होता है, ठीक है बेटा। तो पेपर में आपके पास जो MCQs गिवन है, ठीक है बेटा, ये देख लें। इसमें लिखा हुआ है सेक्शन A इज कंपल्सरी एंड कंप्राइजेज पेज 1 ओनली। ये पूरे एक पेज पर है यहाँ से लेकर, ठीक है, ठीक है, एक पेज पर है। और इसके जो मार्क्स है वो कितने हैं, 12 मार्क्स है, ठीक है बेटा। तो मैं अभी इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ ताकि पता चले। जी, ये एक ही पेज पर आपके पास पूरा MCQs वाला है, ठीक है। तो आज हमने इस MCQ, क्योंकि पूरे बुक से हमें हो सकता है कि आपको इसमें से कुछ आते हैं और कुछ ना आते हो, जो आते हैं उसको तो हमने छेड़ना ही नहीं है, जो नहीं आते हैं विल बी डिस्कसिंग ओनली ऑन दैट, विल बी फोकसिंग ऑन दैट MCQs पार्टिकुलरली, ठीक है बेटा। तो इनमें से जो पहला MCQs है वो चेक कर ले बेटा, क्या लिखा हुआ है देखें। ये है कन्वर्जन ऑफ वेपर्स इनटू लिक्विड डैश चेंज, केमिकल है, फिजिकल है, बोथ है, नन ऑफ दीज है। आपको पता है पानी जो है किस चीज़ में चेंज होता है, ठीक है, वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ठीक है बेटा। देखो जो वाटर है ना, वाटर, ठीक है, अब आपने देखना है जो चीज़ आपको नजर आ रही होती है ना, तो फिजिकल चेंज है, ठीक है। तो केमिकल चेंज जो होती है ना, उसमें केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, उसमें वो परमानेंट चेंज होती है। तो जो टेम्पररी चेंज होते हैं ना, टेम्पररी चेंज, जितने भी टेम्पररी चेंज होते हैं ना, टेम्पररी चेंजेस, वो आपके पास फिजिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है। वो क्या कहलाते हैं बेटा, फिजिकल चेंजेस। तो आपको पता है कि वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होना, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट, फिजिकल है, ठीक है, आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, यानी वेपर से लिक्विड कन्वर्ट हो सकता है और लिक्विड से वापस वेपर में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो इस तरह के चेंजेस को हम क्या, कौन सी चेंजेस कहते हैं बेटा, टेम्पररी चेंजेस कहते हैं। तो टेम्पररी चेंजेस जो हमारे पास होगी वो फिजिकल चेंजेस में आएगी, ठीक है बेटा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा बेटा, इसका आंसर हमारे पास फिजिकल आ जाएगा। इस MCQs के अंदर एनी डाउट बेटा? हेलो, एनी क्वेश्चन इन दिस MCQ? आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, ये सर आ रही है। मैंने समझा, मैंने माइक ऑफ किया हुआ है, ठीक है जी। दूसरा MCQ आप चेक कर ले बेटा, दूसरा है इन विच रिएक्शन द रेट इज जीरो इन द बिगिनिंग, ठीक है। फॉरवर्ड में, रिवर्स में, इरिवर्सिबल में या रिवर्सिबल में, किस में जीरो होता है इनिशियल? रिवर्स, वेरी गुड। रिवर्सिबल के अंदर जो रिएक्शन है वो इनिशियली उसमें उसका जो रेट होता है वो जीरो होता है, ठीक है। ओके, स्मोक ऑफ सिगरेट कंटेन्स, स्मोक ऑफ सिगरेट में क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, NO2 होता है, N होता है या ऑल ऑफ दीज होता है? स्मोक ऑफ सिगरेट्स कंटेन, जी बेटा, क्या क्या चीज होती है?
क्या इसमें सर, इसमें क्या क्या होती है? हाँ बोलो ना बेटा। क्या उसमें सल्फर डाइऑक्साइड होता है? चेक करें ना, स्मोक ऑफ सिगरेट कंटेन सल्फर डाइऑक्साइड। जी बेटा, ऑल ऑफ दीज होते हैं। ठीक है बेटा, आप ये समझ सकते हैं कि अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दे दूं, यहां पे मैं लिख देता हूं कहीं पे, एक मिनट में, कि राउंड अबाउट 85, यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे मेरे पास 85 माइक्रोग्राम जो होता है ना, एक सिगरेट जो होता है ना, वन सिगरेट, वन सिगरेट, एक सिगरेट के अंदर तकरीबन इतना सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ये सारी चीजें उसके अंदर होती है। ठीक है, तो हम इसमें कह सकते हैं कि ऑल ऑफ दी। ठीक है, यानी ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये भी हो गया। इसका मतलब क्या है कि पहले का आंसर फिजिकल था, दूसरे का आंसर इरिवर्सिबल था, और तीसरे का क्या था? ऑल ऑफ दी। ठीक बेटा, ये आपके पास तीन एमसीक्यूज हमने कर लिए। ओके, एमसीक्यू नंबर फोर इज, ठीक है, विच थिंग इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर। जी बेटा, प्लास्टर के प्रिपरेशन में क्या चीज इस्तेमाल होती है? बोलो ना बेटा। चलो मैं नाम बता देता हूं, नाम बता दूं या नाम के बगैर भी नहीं आएगा? क्या स्लेक चीज है? स्लेक लाइम, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट या जिप्सम जिसको कहते हैं। तो आप कहोगे सर व्हाट इज द फार्मूला ऑफ जिप्सम? जिप्सम का फार्मूला क्या होगा बेटा? पहले तो जिप्सम से बनता है ना प्लास्टर, तो प्लास्टर ऑफ, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं होता जिससे आपका हाथ वगैरह टूट जाए, बाजू वगैरह टूट जाए, तो आप लोग उसका वो करते हैं, क्या कहते हैं उसको, वो पट्टी करवाते हैं ना फ्रैक्चर वगैरह, तो उसमें जो चीज यूज होती है उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस उसको कहते हैं, उसको जिप्सम भी कहते हैं, जिप्सम। ठीक है, तो उसका फार्मूला क्या होता है बेटा? आप लोग बिल्कुल तैयारी नहीं करते ना, फिर आप कहते हो कि क्या हो जाता है। ठीक है, अगर आप कैल्शियम सल्फेट को करें ना तो ये जिप्सम कहलाता है। ठीक है बेटा, कैल्शियम सल्फेट से होता है CA, मैं आपको बता देता हूँ इसका जो फार्मूला है, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, इसको। ठीक है, इसी सर फॉर्मूले। वालेकुम अस्सलाम अली जहांगीर, कैसे हो? लग चुके सर आपकी दुआएं। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास फार्मूले में है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगा बेटा, मैं यहाँ से ऑप्शन थोड़ा सा इरेज करके, ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन होगा, अब मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन ये आएगा, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O आएगा, इसी को हम कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? CaSO4 डॉट 2H2O। ठीक है, इससे बनता है, क्योंकि कैल्शियम सल्फेट और वाटर से बनता है जिप्सम। कि मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, देखो कैल्शियम सल्फेट को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना, टू वाटर के साथ, तो इससे बनता है कैल्शियम सल्फेट डार्क 2H2O, और इसी को बेटा हम लोग कहते हैं जिप्सम। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ये है, लेकिन इसकी जगह पे आपने ये फार्मूला लिखना है। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट नेक्स्ट, विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन कार्बोनेट।
कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा पैदा होगा, ठीक है बेटा, ये भी याद रखना। एसिड जब भी होता है ना, एसिड जब भी आपका किसके साथ रिएक्ट करता है, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, एच सी ओ थ्री माइनस टू को कहते हैं, सॉरी माइनस वन, ठीक है। तो जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है, फाइव का ऑप्शन है ये वन जी। सिक्स, हेक्सेन हैज हाउ मेनी आइसोमर्स, हेक्सेन के कितने आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, हेक्सेन हैज हाउ मेनी आइसोमर्स, जी बोला हेक्सेन के कितने, देखो मैंने बताया था ये याद रख ले, ठीक है। ब्यूटेन से स्टार्ट होते हैं ना, तो ब्यूटेन आपने लिखना है, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये आपके सिलेबस में ये तीनों इन्वॉल्व है। तो ब्यूटेन के आपके पास दो होते हैं, पक्का याद रखना, ठीक है बेटा। पेंटेन के आपके पास तीन होते हैं, हेक्सेन के पास आपके पास कितने होते हैं बेटा, पांच होते हैं। तो दो तीन पांच, और अगला वाला जो होगा वो सात है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, यानी हेप्टेन जिसको कहते हैं। हमारे सिलेबस में हेक्सेन तक है। हाँ जी बिल्कुल, तो यहाँ तक ये, तो ये दो तो पक्के आते हैं ना, लेकिन ये क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल था इसलिए बच्चों के लिए फार्मूला यूज करना पड़ता है, इसलिए हेप्टेन के जो है ना वो नौ होते हैं, ठीक है बेटा। तो आपको थोड़ा सा ये याद रखना है, ठीक है। कौन कौन से मैंने बता दी बेटा, बेटा ये आपको मैंने डिटेल में बता दिए हैं, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने वैसे भी जब याद ही करना है तो आपने इसमें कितने करने हैं, हेक्सेन के कितने हैं बेटा, फाइव। फार्मूला कैसे आपको पता चलेगा, ठीक है, व्हाट इज द फार्मूला टू डिटरमाइन द आइसोमर्स, ठीक है। तो बेटा ये आपका फार्मूला यहाँ से, तो आपके आइसोमर्स के कैलकुलेट का फार्मूला जो होता है ना, वो एक डिफरेंट सा फार्मूला है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन हमने सिर्फ अपने लिए किया हुआ है, ठीक है, कि हम स्ट्रक्चर से मालूम कर लेते हैं ना कि इसके कितने बनेंगे, इसके कितने बनेंगे, ठीक है। तो बस सिंपल आपने ये याद रखना कि ब्यूटेन के चार हैं आपके पास, मैट्रिक के सिलेबस में आपने क्या लिखना है बेटा, ब्यूटेन के आपके पास चार है, सॉरी दो है, पेंटेन के आपके पास कितने हैं बेटा, तीन है, और हेक्सेन के आपके पास पाँच। पेंटेन के तो हमने पढ़े भी थे, आपके सिलेबस में भी है, अगर आपको याद हो एन पेंटेन, अगर आपको याद हो, फिर एक आइसो पेंटेन होगा, और आखिरी तीसरा कौन सा था, एन ब्यूटेन, न्यू पेंटेन, और सर ये तीन होते हैं, याद रखना। ये पेंटेन के मैंने आपको वन टू थ्री बताया, तो हेक्सेन के फाइव होते हैं, ठीक बेटा। ओके बेटा, द कंजुगेट एसिड ऑफ एच पी ओ फोर माइनस टू, ये आपके तीसरा ऑप्शन है सर, जी बेटा तीसरा ऑप्शन है सर, ये सर तुक्का लगाया मैंने, मुझे पता नहीं है, वैसे ऐसा फील हो रहा था कि तीसरी ऑप्शन होगी। नहीं तुक्का नहीं लगाना ना, आपको तो पहले पता होना चाहिए ना कि कंजुगेट एसिड और बेस क्या होते हैं, ठीक है। द कंजुगेट एसिड ऑफ एच पी ओ फोर माइनस टू, जी बेटा क्या होता है, एच टू पी ओ फोर होता है या एच थ्री पी ओ फोर होता है, कौन सा होता है बेटा, एच टू पी ओ फोर, पी ओ फोर माइनस टू, सर ये जो सी ऑप्शन है ना, ये कंजुगेट एसिड एच टू पी ओ फोर माइनस वन का नहीं, माइनस टू की बात की गई है, एच पी ओ फोर की बात की गई है, ठीक है। इसका जो ऑप्शन है ना बेटा, इसका मतलब ये होता है इससे जो निकलता है ना वो बनता क्या है, ठीक है बेटा। तो ऑप्शन तो हमारे पास एक ही है, ठीक है, ली वाला, लेकिन हमने हमारे नॉट इंक्लूडेड इन सिलेबस, क्योंकि ये आपका फर्स्ट ईयर में टॉपिक है, नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, इसको फिलहाल रहने देते हैं। जो सिलेबस में नहीं है उसको ना हाथ छेड़ो ताकि आप कंफ्यूज ही ना हो, जी बेटा। फार्मिक एसिड कंटेन फंक्शनल ग्रुप, सी ऑप्शन सर, कौन सा वाला, सी ऑप्शन, एक्सेलेंट, जबरदस्त। फार्मिक एसिड को तो पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए ना, फार्मिक एसिड जो है ना, पहले तो उसको नाम याद रखें, फार्मिक एसिड, ये फार्मिक एसिड है,
तो इसका जो फार्मूला है एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, और ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना ये क्या है सी ओ ओ एच, जब भी ये ग्रुप आएगा इसको कहते हैं, इसको कौन सा ऑप्शन फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड इसको कहते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास ये ऑप्शन, ठीक है बेटा, ये अल्कोहल है, ये ईथर है, क्या नाम है, ये ईथर है, और ये आपके पास क्या है फॉर्मल्डिहाइड या एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है बेटा। जी बेटा मोलर कंसंट्रेशन की यूनिट्स क्या होती है? सी ऑप्शन नहीं सर, बी ऑप्शन है इसका, बी ऑप्शन भाई, ये सेंटीमीटर में क्या हो गया सर, मोल डीएम क्यूब होता है ना सर, तो इन्होंने मोल स्क्वायर लिखा है, मोल स्क्वायर किधर है ये सर, ये देखिए ए ऑप्शन मोल स्क्वायर ऑप्शन तो ये है, तो सर इन्होंने एक्स्ट्रा एस लिखा है सर, होना एम ओ एल एम ओ एल मोल्स कहते हैं ना ऐसे, मोल्स पर डीएम क्यूब होता है ना ऐसे, हाँ तो एस मिटा देते हैं या इसको एम बाई वी कहते हैं ना, एन होता है नंबर ऑफ मोल्स को कहते हैं, और जो वी होता है वॉल्यूम होता है, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स को हमने मोल्स में डिवाइड करना होता है और फाइंड करना होता है, और डीएम क्यूब वॉल्यूम को हम डीएम क्यूब में करते हैं, ये ऊपर चला जाएगा तो मोल पर डीएम क्यूब भी हो सकता है ऐसे, तो तीन ऑप्शन में से ये वाला बेस्ट ऑप्शन। जी सर अगले का NH3 है सर जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीवस एसिड, ठीक है एसिड कौन सा होता है, व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ लीवस एसिड, अगले का NH3 है सर, पता होगा लीवस एसिड कौन कौन से होते हैं, बोलो ना सर, NH3 इसकी ऑप्शन है सर, इसका सही करेक्ट। लीवस एसिड पहले तो पता होना चाहिए क्या होता है, लीवस एसिड क्या होता है, एसपीसी इलेक्ट्रॉन पे रिसेप्टर को कहते हैं, मैं आपको कह देता हूँ कहीं लिख देता हूँ, लीवस एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो पेयर होता है उसका एसेप्टर, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर के को एसेप्ट करे हो, सर जी लुईस एसिड की सर जो एग्जांपल्स होती हैं सर, नहीं सर जो उसके होते हैं सर, वो होते हैं सर एच होता है, एच के ऊपर प्लस वाला सर, नहीं मुझे एक चीज बताए, अगर मैं कहूँ ना एल्यूमिनियम क्लोराइड इज लीवस एसिड आर बेस, ये पहला वाला जो ऑप्शन है, हाँ जी सर, ये लीवस एसिड है ना, ये वाला ये लीवस एसिड है, जी जी सर, लीवस एसिड आपके पास कौन सा आएगा, ये आएगा, ये नहीं आएगा, इसके पास तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये कैसे क्यों एक्सेप्ट करेगा, ये तो डोनेट कर देगा, ये डोनेट करेगा, ये AlCl3 अगर लीवस बेस का पूछा होता तो फिर तो मैं इसको चलो मान सकता हूँ, लेकिन AlCl3 जी बिल्कुल ये आपका ऑप्शन है, ठीक है, बस दो रह गए बेटा, उसको भी देखिए बेटा, नंबर वन आई हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इन एटमॉस्फेयर फॉर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ये आपके उस चैप्टर में है, क्या नाम है वो पोल्यूशन वाला चैप्टर कौन सा है उसका, हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर फ्रॉम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, कितना रिलीज होता है बेटा, इसकी 30 तकरीबन राउंड अबाउट 46% तक लोग कहते हैं ना, तो 46% जो बनता है ये ओवरऑल का हम इसको कह सकते हैं, ईयरली का डिफरेंट होता है, 5.1 बिलियन भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है ना, ये तो हर साल डिफरेंट होता है, ठीक है, हर साल ही क्या होता है, पिछले साल हो सकता है कुछ और हो, इसमें अगर ईयर का बताता है ना तो चलो हम बता सकते हैं, ठीक है जी बेटा, कितना आपके ख्याल में आएगा, सी ऑप्शन है इसका, ठीक है बेटा 24 बिलियन टन्स है, लेकिन हमारे ये हर साल चेंज होता रहता है, इस तरह का क्वेश्चन कभी नहीं आएगा क्योंकि ये हर साल चेंज होता जाता है, जैसे अभी लॉकडाउन में गाड़ियां कम चलती है, लोग घर से कम निकलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, लेकिन वैसे ऑप्शन इसका ये है, हर साल ये चेंज होता रहता है, फिक्स नहीं है। अब मीथेन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस क्या, यूरिया, क्या हो गया अल्कोहल, वो अल्कोहल में तो सर मीथेन नहीं होता सर,
नहीं नहीं सर, यूरिया को मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता है। मीथेन? यस सर। और नहीं बी सर, इसमें सर नन ऑफ दीज है सर। इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अल्कोहल सर, नन ऑफ दीज मैं नहीं बताऊं होता क्या सर। होता है। सर इसका मिथेनॉल सर और जो स्पिरिट बनता है, स्पिरिट और इथेनॉल इसी से बनता है ना यार। एग्जांपल आपको बता दूं, मीथेन से बनता है ना, क्या हो गया? चले ठीक हो गया सर, मान लेते हैं सर। माने मानना ही पड़ेगा भाई, मीथेन से बनता है ना। चले ठीक हो गया सर। देखा, मीथेन से मिथेनॉल बनता है, इथेनॉल बनता है, स्पिरिट बनता है, ये तो बोला कुछ चीजें बनती है, तो अल्कोहल बनता है। तो ये तो 12 ऑप्शन एमसीक्यू है, ठीक है। अब जो बाकी है ना, एक मिनट में आपको चेक करवा देता हूँ, ये वाले जो शॉर्ट क्वेश्चन है। पहले तो इसको मैं दोबारा एक दफा रिवाइज करके बता देता हूँ कौन कौन से आंसर हमने किए, मैं उसको आपको थोड़ा सा गाइड कर लेता हूँ। जैसे पहले वाले का ऑप्शन हमने क्या था, फिजिकल। दूसरे का क्या था बेटा, रिवर्सिबल। तीसरा क्या था, ऑल ऑफ दीज। आफ्टर दैट इसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली की थी हमने, क्या कहा था, कैल्शियम सल्फेट। ये कौन सा गैस बनाते बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। और नंबर ऑफ आइसोमर इसके 5 है, इसका बेटा हमारे पास ये आएगा, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल हमने नहीं करना इसको। और इसका ऑप्शन क्या है आपके पास, जो लास्ट वाले का है, कार्बन, ये एसिटिक, ये क्या नाम है इसका, सॉरी मार्करी, पता नहीं मेरा पेन ही पास रहा है, ठीक है। ये वाला आपके पास ऑप्शन आ गया है, कौन सा बेटा, यहाँ से आपके पास ऑप्शन आ गया, ये वाला ऑप्शन आ गया, ठीक है बेटा। और इसके पास मोल पर डीएम क्यूब है, ठीक है। तो सी ऑप्शन है। उसके बाद सर AlCl3 है, और ये उसके 24, बाद सर जी सी ऑप्शन है 24 बिलियन। हाँ, लेकिन ये आपने थोड़ा सा, आपने इसको हर साल चेंज होता है, ठीक है बेटा, ठीक एवरी हो गया, ईयर इट विल बी चेंज। तो इस मेरे बात पे नहीं रहना, ठीक है। और आखिर में ठीक हो गया सर। अल्कोहल, उसके बाद सर एल्कोहल है। वैसे यूरिया, मीथेन के साथ यूरिया इस्तेमाल होता है, इसमें हमने पढ़ा हुआ है कहीं पे आपने? नहीं याद नहीं है सर, सर पढ़ा हुआ है सर, कहाँ पे? मीथेन सर इज उसके यूज्ड जो टू यूजेस है प्रोड्यूस ना। यूरिया, यस सर, कहाँ पे? हाय जब आपको दिखाते हैं कि जो हाय हाय हाय, सर ये पेज 78 में पेज 70, एट एक फिर मैं लिख दूं कहीं पे, पेज 70 एट क्या लिखा हुआ है वहां पे? सर, उसमें यूजेस में लिखा हुआ है कि ये डोमेस्टिक फ्यूल के लिए यूज होता है जो सुई गैस होती है, हाँ और ऑटोमोबाइल्स में यूज होता है जो CNG में होती है, हाँ और मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता है यूरिया के। क्या लिखा हुआ है? सर मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता है यूरिया के। सर वो तो अमोनिया होता है ना, यूरिया की बात हो रही है। अच्छा क्या लिखा हुआ है जुमला, इंग्लिश में पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। सर मिथेन इज यूज एज अ डोमेस्टिक फ्यूल, इट इज यूज एज अ फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल्स, ये दो तो और हो गए, इट इज यूज तीसरा क्या है? मैन्युफैक्चर, इट इज यही यूज तो सर मैं ऐसे कह मैन्युफैक्चर रहा था, यूरिया अल्कोहल नहीं। फर्टिलाइजर, इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर यूरिया फर्टिलाइजर। तो यूरिया फर्टिलाइज, अच्छा, देख यानी असल में डायरेक्ट यूज नहीं हो ले सकता। सर जी, मैंने आपको पहले ही बोला था सर। नहीं, चलो मैं एक काम करते हैं, हम नेट से सर्च कर लेते हैं ना, इसमें कौन सा बम गिर जाएगा यार, ये कौन सा है ना, ऐसा कर लेते हैं ना, नेट पे आ जाए। चलो हाँ जी सर, मैंने सर्च किया, मैं तभी बता रहा हूँ सर। ये मैं आपको सर, मैंने मेरा, सर्च किया, क्या याद रखेंगे, ले आ गया हूँ, ये गूगल पे आ गए, और यहाँ पे हम कहाँ लिखेंगे, गूगल पे, यहाँ पे लिखेंगे, चले मैं चेक कर लेता हूँ क्या लिखो, इज क्या, इज क्वेश्चन क्या था मैं सर बेटा? आपको, मीथेन इज यूज टू प्रोड्यूस सर, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ सर। इसके मैंने सर इधर सर्च इज किया हुआ है। मीथेन इज मीथेन इज अ यूज, प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस एंड इज यूज्ड टू प्रोड्यूस हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी अराउंड द वर्ल्ड। मीथेन इज आल्सो इट्स यूज्ड इन केमिकल रिएक्शन टू प्रोड्यूस अदर इंपॉर्टेंट गैसेस लाइक हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ब्लैक कार्बन। अच्छा, ये लिखा हुआ है बिल्कुल, मीथेनॉल। देखो सबसे पहले क्या लिखा है, मेथड टू प्रिपेयर यूरिया फ्रॉम नेचुरल गैस, वेयर इन नेचुरल गैस अंडरगोस पार्शियल ऑक्सीडेशन, ना बनता है कोई नहीं इसमें,
अगर आपने पढ़ा है तो फिर तो ठीक ही होगा, लेकिन ज्यादातर जो हम अल्कोहल से बनाते हैं, क्या नाम है इसको, क्या कहते हैं इसको, यूरिया अल्कोहल, क्योंकि इसमें मिथेनॉल इथेनॉल दोनों हमारे पास है ना, हमारे पास मिथेनॉल भी है और इथेनॉल दोनों हमारे पास है, ठीक है, दोनों में से इस्तेमाल होता है। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो दोनों ऑप्शन को लिख के उनको बता दे कि भाई दोनों से बन सकता है, ठीक है, क्लियर, चलेंगे। अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन ये, इसकी आप स्क्रीन शॉट लेके ना, ये वाले इनमें से जो है वो आपने याद करने हैं, ठीक है, इसको अगर कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, आज तो उसके लिए टाइम ही नहीं है। जैसे राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये तो आपको पता है कि एक फॉरवर्ड हमेशा आगे जाता है, ठीक है, फॉरवर्ड की प्रॉपर्टी है एक कांस्टेंट, ये दूसरा क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स नहीं होता, ठीक है, सारे आपने खुद पढ़ने, ठीक है। व्हाट आर द रिएक्शन, कहते हैं व्हाई द रिएक्शन मिक्सचर डज नॉट हैव 50% रिएक्टेंट एंड 50% प्रोडक्ट, क्यों नहीं होता, क्योंकि रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन, रिएक्शन कभी कंप्लीट ही नहीं होता, ठीक है। इसी तरह हाउ कैन वी कैलकुलेट पीएच, ये भी आपको पता है, डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम, ये 1, 2, 3, 4 आसान आसान है, ठीक है। अगला क्या है, लीवर्स कंसेप्ट ऑफ एसिड और बेस, लीवर्स और ब्रोंस्टेड, ये दो लोरी ब्रोंस्टेड और लीवर्स के, लीवर्स का तो अभी मैंने आपको बता दिया कि जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है वो क्या कहलाता है, एसिड, और जो प्रोटॉन डोनर होता है क्या कहता है, बेस, ठीक है। लोरी ब्रोंस्टेड का भी चेक कर लेना, ये बस एक एक लाइन की डेफिनेशन है जी। नेक्स्ट वन है, थ्रू विच वे वी आइडेंटिफाई द केमिकल इक्विलिब्रियम, 3 वेज है, ठीक है बेटा, वो कौन कौन से हैं वो भी आपकी सिलेबस में, अरहीनियस के क्या लिमिटेशन का मतलब क्या 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 मिस्टेक है उसके अंदर, ठीक है, ये वाला डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन देख ले, साल्ट क्या होता है, ये भी साल्ट तो आपको पता चल गया, साल्ट क्या होता है, साल्ट इज अ प्रोडक्ट विच इज फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड और बेस, एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो साल्ट बनता है, इनसॉल्युबल साल्ट कब, ये लिखे, ये सारा इजी इजी से हैं, चेक कर लेना, मुश्किल नहीं है सारे का, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सारे ताकि याद रहे आपको, ठीक। इसी तरह ये सारे, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके हो गया क्या होमवर्क, कल इसमें से कोई क्वेश्चन जो होगा, जो जैसे कैटिनेशन क्या होती है आपको पता तो है, कैटिनेशन क्या होती है बेटा, एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन, इसको कैटिनेशन कहते हैं, ठीक है, तो ये हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बेटा। सर ये 12 क्वेश्चन जो है ये समझ नहीं आ रहा, कौन सा वाला 12 क्वेश्चन, 12 कहां पर है, वेयर इज द 12, ये वाला, यस सर, हाइपर एसिडिटी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज करते हैं, यानी ये मैग्नीशियम इसको कहते हैं, एसिडिटी को खत्म करने के लिए ये इस्तेमाल होता है, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ये होता है आपको पता तो है, ये जो सिरप पीते हैं डाइजेक्स वाला ना, तो इसके अंदर यही फार्मूला होता है, ठीक है बेटा, मेरी उस क्लास स्टार्ट हो गई फर्स्ट ईयर की, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, हैव अ नाइस डे, अस्सलाम वालेकुम।